हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम तुलसी पत्र की माला बनाएंगे। शास्त्रों में कहा गया है, जो प्रतिदिन तुलसी का दर्शन करता है, स्पर्श करता है, उनकी महिमा का उच्चारण करता है, तुलसी पर ध्यान लगाता है, उनको प्रणाम करता है, उनके विषय में श्रवण करता है, उनका रोपण, उनकी सेवा और पूजन करता है, वो संपूर्ण मंगल प्राप्त करता है। जो इन 9 प्रकार की सेवाएं करता है, वो परम भगवान हरि के धाम में जाता है और वहां पर नित्य रूप से वास करता है। तो तुलसी की माला बनाने के लिए हमें सबसे पहले इन मंजरियों को अलग करना होगा। तो हम इस तरह से इन मंजरियों को अलग कर लेंगे। हमने इस तरह से सारी मंजरियां निकाल कर रखी हैं। तो अब हम तुलसी की माला बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ये थ्रेड। हम तुलसी की माला बनाने के लिए कभी भी सुई का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इससे तुलसी महारानी को कष्ट होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि तुलसी की माला कैसे बनानी है। सबसे पहले इन पत्तों को इस तरह से एक बंच बनाइए ऊपर की तरफ, और साथ ही कुछ बंच नीचे की तरफ इस तरह से। अब हम धागे को लेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से इसे घुमाएंगे 2 times या 3 times, और फिर इसे इस तरह से एक गांठ लगाएंगे, और फिर इसे एक गांठ लगा देंगे जिससे कि ये पूरी तरह से सिक्योर हो जाए। फिर से हम इस तरह का बंच बनाएंगे, और हमारा एक जहाँ पे हुआ था ख़त्म, वहीं से फिर हम इसे भी इस तरह से धागे में लपेटेंगे 2 times, और फिर इस तरह से इसमें गांठ लगाएंगे। इसी तरह से हमें पूरी माला को कंप्लीट करना है। परम भगवान श्री कृष्ण अपने सहचर्य सरलता से प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार से अपने आप को प्रकट करते हैं और अपने प्रियतम भक्तों को इस धरातल पर भेजते हैं। भगवान और उनके महानतम भक्त इस जड़ जगत में अपनी इच्छा से आते हैं और पुनः वापस गमन करते हैं। उनका यहाँ आने का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, वो तो केवल बद्ध जीवों को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करने के लिए आते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि श्री तुलसी इस जगत में भगवान का वृक्षावतार है, जिनकी आराधना और सेवा करने से अधम व्यक्ति भी परम पद को प्राप्त करता है। पद्म पुराण में पार्वती देवी अपने पति शिव जी से कहती है, हे देव, मुझे बताइए आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना किसकी है। शिव जी उत्तर देते हुए कहते हैं, विष्णु आराधनाम परम। सर्वश्रेष्ठ आराधना भगवान विष्णु कृष्ण की है, परंतु इससे भी उत्तम आराधना तदीयानाम समर्चनाम, उत्कृष्ट आराधना तो भगवत प्रियजनों की है। श्रीमती तुलसी महारानी भगवान की शुद्ध भक्त हैं और भगवान उनसे सेवा लेने से अति प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार हमें उनकी सहायता से भगवान तक पहुंचने में आसानी होती है। इसीलिए हम श्री ठाकुर जी के संपूर्ण अंग को तुलसी से सुशोभित करते हैं, सजाते हैं, जिससे कि ठाकुर जी हम पर प्रसन्न हो और अपनी शुद्ध भक्ति देने के लिए वो विवश हो जाएं। तो हमारी ये तुलसी की माला रेडी हो गई है ठाकुर जी को इसे ऑफर करने के लिए। तो आप भी इसी तरह तुलसी माला बनाइए, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है, और इससे ठाकुर जी अति प्रसन्न भी होते हैं। आप इस सेवा की अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए। कार्तिक मास में श्री यशोदा दामोदर भगवान को ये तुलसी माला निवेदन कीजिए, क्योंकि भगवान इससे अति प्रसन्न होते हैं और कार्तिक महीने में तो भगवान विशेषतः दया करते हैं। तो आप भी इस सेवा का लाभ उठाइए और भगवान को खुश करने का प्रयास कीजिए। अपने व्यूज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए।
हरे कृष्णा।